शंकर लाल महेश्वरी, साथी रिपोर्टर विरागमिल महेश्वरी। कराची प्रेस क्लब से आज कराची प्रेस क्लब पर सिंध की बेटी परिया कुमारी की बाजियाबी के लिए सिविल सोसाइटी की तरफ से एहतजाजी मुजाहरा करके धरना दिया गया, जिसमें मुख्तलिफ सियासी समाजी लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मुजाहरीन हाथों में परिया कुमारी की तस्वीर और परिया कुमारी की आज़ादी के पैनाफ्लेक्स प्ले कार्ड उठाए जोरदार नारेबाजी कर रहे थे। इस मौके पर मुजाहरीन ने आधार न्यूज से बात करते हुए कहा, गवर्नमेंट से यही मुतालबा है कि वो कम से कम अकलियतों की चीखों को सुने। हमेशा यही कहा जाता है कि अकलियतें अपनी आवाज़ बुलंद नहीं करती। आज इतना बड़ा इज्तिमा यहाँ पे मौजूद है और हर शहर में इनके लिए आवाज़ उठाई जाती है। 3 साल हो गए, देखना चाहिए हुकूमत के क्यों अभी तक उनके कातिलों को नहीं पकड़ा गया, उन्हें बाजियाब कराया जाए और अकलियतों के हवाले से मरकज साजी कानून किए जाए, कानून साजी करवाई जाए। आज का हमारा जो एहतजाज है, गुमशुदा 2.5 सालों से प्रिया कुमारी जो हमारी लापता है, उस सिलसिले में ये एहतजाज है। सिविल सोसाइटी और दीगर जो भी हैं रहनुमा, वो सिविल सोसाइटी और दूसरे भी जो सोशल वर्कर हैं वो शामिल हैं। हमारा ये मुतालबा है कि प्रिया कुमारी को आज़ाद किया जाए और सिंध में जो सिंध के वारिस हैं उनको जीने का हक दिया जाए। सभी लाकानून से हवाले जी तरफा जेका नज़रअंदाज कयो पियो वञे मसलनि खे, उहो ॾाढो ख़राबु शइ आहे। इन सां थी सघे थो माण्हुनि में अञा घणो जेको आहे सो वॾा मसाला पैदा थियनि। हुकूमत खे इन एहतजाज ते ध्यानु ॾियणु घुरिजे। ये प्रिया कुमारी एक 7 साल की बच्ची है, ये स्टेट की रट को चैलेंज किया जा रहा है कि एक बच्ची जो अपने बाप के साथ 10 मुहर्रम का दिन सभी इमाम हुसैन पे पानी वहाँ पे लोगों को दे रही है, उस बच्ची को अगवा करना और आज तक वो बच्ची बाजियाब ना होना, ये स्टेट के रट को चैलेंज है। कच्चे के डाकों से बाजियाब हो जाता है, लेकिन एक अकलियती बच्ची जो अपने इमाम हुसैन की पानी सभी वहाँ पे दे रही है, उस बच्ची को अगवा करना, आज तक उसकी फैमिली को नहीं पता पड़ना। तो हम स्टेट से यही मुतालबा करते हैं वफाकी हुकूमत से मुदाखलत करें ताकि बच्ची फौरी तौर पर बाजियाब हो सके। बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि यह एक शर्मनाक वाकया है जिसका जो दबा है पूरी सिंध हुकूमत पे लग चुका है और उसको जल्द से जल्द अगर बाजियाब नहीं कराया गया। आप देखें, एक मासूम बच्ची 7 साल की 3 साल से गुम है, किसी के कानों पे जूं भी नहीं रीझ रही, कोई इसकी तरफ देख भी नहीं रहा। आप देखें, आज ये आम इंसान बाहर निकला है उसके एहतजाज में कि भाई उसको अब आप बाजियाब कराएं। कम से कम पता तो चले, उसकी माँ को तो पता चले, उसके बाप को तो पता चले। आज जो है उसके रिलेटिव नहीं आए, ये आम आदमी आया है, आम इंसान आया है। तो इसके लिए मैं सिंध हुकूमत से पुरजोर मुतालबा करता हूँ कि प्रिया कुमारी को जल्द से जल्द बाजियाब कराए। अगर बाजियाब नहीं कराया तो ये लॉन्ग मार्च भी हो सकता है और हम सीएम हाउस का घेराव भी कर सकते हैं, हम उससे आगे भी जा सकते हैं। इसीलिए सुधारा पाकिस्तान की खातिर, एक माँ की खातिर, सिंध की खातिर, उस बच्ची को बाजियाब कराया जाए। जी हम आज मौजूद है कराची प्रेस क्लब में, यहाँ जो एक सिंध की मासूम बच्ची प्रिया कुमारी के बाजियाब के लिए सिविल सोसाइटी की तरफ से एहतियात किया जाए। इसका यही कहना है मुजाहिरीन का कि प्रिया कुमारी जो 3 साल से जो है गायब है, उसको जल्द से जल्द बाजियाब किया जाए और सिंध में अपने हुकूमत का इंसाफ किया जाए। इसी के साथ साथी रिपोर्टर के शंकर लाल के साथ मुझे यहाँ का प्रेस क्लब में जाएंगे।